तब बान बनेगा उसका प्रक्रिया ना है, आप उसे नहीं बनाने दीजिएगा। हम जब जमीन इंक्वायर करेंगे उस समय आपको जमीन का मुआवजा देंगे, चेक जब तक आपका तब तक पहले नहीं आप हम मत नहीं करते। हां मैं हर पहलू पर सोच रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पब्लिक नहीं समझ रहा था, सब समझ रहा लेकिन वो आक्रोश है, बाहर घर में पानी घुसा हुआ है तो आक्रोश है ना। जब बाढ़ आती है या कोई आपदा आता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, तो उनसे हम लोग को नहीं घबराना है। हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इनका जो भी डिमांड होगी हमारी सरकार और यहाँ की प्रशासन पूरा करेगी। लोगों का आरोप है कि अभी तक कोई सहायता नहीं मिला इन लोगों को, सरकार द्वारा सर्वे हो रही है, सर्वे के उपरांत जो भी समस्या आएगा उसको मिलने का जा रहा है। और फिलहाल जो 6,000 रूपया राशि है वो हम जो बाढ़ प्रभावित पंचायत है उसको सभी पंचायत में नाव में लीकेज था, पानी रिसाव नहीं हो रहा था, लोगों को खतरा था, इसलिए यहाँ फिलहाल दी गई है कि तब तक लोग पार कर सके। अच्छा किसान को क्या दे रहा है, किसान के लिए क्या हो रहा है? किसान के लिए तो पानी सूखने के बाद जो इसका ग्राम कचहरी का जो कर्मचारी वो सर्वे करेंगे, उसके बाद उसका मुआवजा का आकलन होगा। किसान के लिए, किसान के लिए सही मुआवजा। लोग तो काफी नाराज है आपसे। नाराज तो रहेंगे, स्वाभाविक है कि जिसको आपदा आएगा वो तो नाराज होंगे ही।